गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम 9:30 हो रहा है। हम 6 बजे गए थे पर सुबह से मैं काम में ही लगी थी, तो अभी मुझे फुर्सत मिली है व्लॉग शुरू करने की। मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग बादल आ रखे हैं पर हल्की फुल्की धूप लग रखी है। और मेरी चाची भी आ गई है। चाची हम काम कर रहे थे, सॉरी चाची अभी करते हैं, ठीक है। यहाँ की बात करें अगर तो यहाँ अमन अपना मेकअप करने लग गया है और मेकअप आर्टिस्ट को हमने कल रात से अपने घर ही रख रखा है, क्योंकि अभी ये हमारा मेकअप करेगा, उसके बाद हम इसे भेजेंगे। और अंश और मेरा भाई भी आस में है कि ये कुछ कर दे, पर ये बेचारी इनका कुछ नहीं कर दी है। मेकअप करेगा फेशियल, पकड़ो पकड़ो उसको। और काफी दिनों के बाद इस किचन में भी रौनक आ गई है। तो इस किचन में है मेरी माता श्री, जो कि बना रही है अभी हम सबके लिए नाश्ता। अभी थोड़ी देर में हम तैयार होंगे, तब तक मम्मी ने नाश्ता बना दिया है, तो अब हम नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे हम तो रोटी खा रहे हैं, पर बड़े बड़े और अमीर अमीर लोग यहाँ पे पिस्ता खा रहे हैं। और पिस्ता खा के इसकी गर्दन तो अलग जा रही है, इस बेचारे को किस बात का दुख है। मेरा भाई टेंशन में चले गए हैं। तो ये लोग अभी सभी खा रहे हैं पिस्ता। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बर्थडे के कितने बच्चे हैं। तो मेरी बर्थडे के सबसे बड़ा बेटा ये है, ये नालायक है, ठीक है। और सबसे अच्छा बच्चा ये है, ये दूसरा बच्चा है। तो मेरी बर्थडे के दो बेटे हैं। मेरे अपने भाई को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो ये है मेरा छोटा भाई, ये मुझसे बहुत छोटा है पर ये मुझसे बड़ा लगता है। हाँ, क्योंकि इसने अपने आप को फिट रखा है। तुम दोनों जल्दी से सरकारी नौकरी लगाओ और फिर मेरी शादी करवाना, ठीक है? पहले हम शादी करेंगे। दो दो टेंडर है ना, फिर एक ही टेंडर है कि शादी करने आ रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करती हो। मैं शादी कहाँ से करूँ जब तक मैं अपनी शादी का सोचती हूँ। मेरे भाई को अपनी शादी की टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं घर में बोलती ही नहीं हूँ कि मेरी शादी करवाओ। पहले इसकी शादी होगी, उसके बाद मेरी शादी होगी। और अभी सबसे पहले मैं तैयार हो गई हूँ और अनीता को भी मैंने ही तैयार करना है। तो अनीता आई है अभी तैयार होने, तो फटाफट इसके बाद मैं इसे भी तैयार कर लेती हूँ। और अभी मैंने अनीता को भी तैयार कर दिया है। अभी मुझे तैयार करना है बुआ और मम्मी को, इनकी पार्लर वाली मैं ही बन रखी हूँ। तैयार होने के इन्होंने पैसे भी नहीं दिए मुझे, वैसे न अनीता ने दिए, न बुआ दे रही, न मेरी मम्मी दे रही। और अभी मैंने अपनी मम्मी को भी तैयार कर दिया। और मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर है और आज मेरी मम्मी और भी भयंकर सुंदर लग रही है। तो अब चलते हैं, अब शादी आ गई है, तो अब चलते हैं, बारात का स्वागत करते हैं। यहाँ पहुँच गए हैं, तो संध्या भी तैयार हो गई है। तो संध्या बहुत बहुत बधाई हो, कैसा लग रहा? तो बारात आने से पहले सबसे पहले हमारे यहाँ सापटे वाले कुछ लोग आते हैं, तो वो आ रहे हैं। तो सापटे का मतलब होता है कि ये संदेशा लेके आते हैं कि बारात आ गई है, जो भी तैयारियां वगैरह है वो जल्दी से कर लो। इसमें कोई एक होता है जिसने 24 घंटे मुंह फुलाया रहता है, तो वो हमारी बुआ है। बुआ ने आज सुबह से ही मुंह फुला रखा है, क्या हुआ बुआ? और जबकि बुआ इतनी सुंदर लग रही है कि क्या बोलूं मैं। और आज मेरी शादी हो रही है, बोल। और मैं यहाँ नाच रही हूँ। तो ये बहुत एक्साइटेड है अपनी शादी को लेके। जब बारात आती है तो सबसे पहले दूल्हे के ऊपर छलियारा किया जाता है, तो इसमें रखी जाती है चावल और काली दाल और सिल्वर। तो उसके लिए अभी मेरी बड्डी जा रही है। अभी मेरी बहनें भी आ गई है, तो इनको हमने भेजा था खोली पे। कितने रुपए लेके आए हैं? 52। तो ये तो इनकी लॉटरी लग गई है, 5200 रुपए लेके आ गए हैं। और अभी फोटोशूट वगैरह सब हो गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं जयमाला के लिए। और अब इसके बाद मेरा ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपना फोन दे रही हूँ कक्कू को, इसके बाद ब्लॉग बनाएगी। संध्या की एंट्री होनी थी पर वो जब तक उसका एंट्री सॉन्ग नहीं लगा तब तक नहीं जाएगी, तो अब इसका एंट्री सॉन्ग बजवाते हैं। क्या चलेगी? Yeah.
अभी यहाँ पे सभी का फोटो शूट हो रहा है, तो मेरे मम्मी पापा भी आ गए हैं और भाइयों का गुस्सा अभी चरम सीमा पे है क्योंकि ये 2-3 दिन से लग रखे हैं काम पे, तो इन्हें अभी बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है जैसे इनसे कुछ भी बोल रहे हैं देख। और अभी यहाँ पे मेरी चाची और मेरी बड्डी भी बैठी है, तो मेरी बड्डी बोल रही है क्या दिया नरेश ने मुझे, हाँ तो जेठो को जब सबसे पहले गिफ्ट देते हैं ठीक है। संध्या का फोटो शूट हो गया है तो अब हम जा रहे हैं फेरों के लिए। जितनी संध्या थी उससे कई ज्यादा दूल्हे हैं, तो अभी ये जा रहे हैं फेरों के आगे जा रहे हैं ढोल वाले भैया और पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग। दूल्हे जी पधार चुके हैं हमारे घर में, ये है बड्डा, तो अभी अभी सबसे पहले दूल्हे राजा आए हैं संध्या के पापा को मिलने के लिए, तो दूल्हे राजा को घर लाने से पहले हमारी यहाँ छलियारा किया जाता है, तो वही हो रहा है। अभी तक संध्या के लिए आई थी, अब संध्या जोड़े में आ रही है। तो अब की यहाँ पे फिर से पूजा होगी, उसके बाद संध्या आएगी अंदर। देखो यहाँ पे मेरे रिश्ते की बात हो रही है, वहाँ पे मेरे रिश्ते की बात हो रही है, रिश्ते की बात हो रही है, तो जिसको देखो उसको अभी मेरे रिश्ते की बात करनी है, पर मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी है। थोड़ी देर बाद फेरे होंगे तो हम आ गए हैं कपड़े चेंज करने, क्योंकि साड़ी में चला नहीं जा रहा है, आदत नहीं है हमें। और मेरी बुल्ली ने तो पहली बार साड़ी पहनी है, तो कैसा लगा तुझे साड़ी पहन के? बहुत अच्छा। अब साड़ी मेरी शादी में पहननी, ठीक है? ठीक है, देखो कैसे लगी है। बहुत सुंदर, तू तो है ही सुंदर यार, तुम घर के वो सुंदर बच्चे हो जिनकी तारीफ लफ्जों में नहीं होती है, ठीक है। तो अभी मैंने कपड़े बदल दिए हैं, अब फिर से मैं जा रही हूँ संध्या लोगों के घर। तो जितने में मैं घर गई उतने में सभी गहनों की पूजा भी हो गई है और संध्या को असली गहने भी पहना दिए गए हैं। और अभी यहाँ पे हो रहा है संकल्प, अभी दूल्हा और दुल्हन आ गए हैं फेरों के लिए। थक नहीं लगा तुझे क्यों? तो नीचे हो रहे हैं फेरे और मैं और मेरा भाई यहाँ पे बैठे हैं। भैया क्या देख रहे हैं? फेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जस्ट हवन सामग्री तैयार हो चुकी है और पंडित जी से बोला जल्दी जल्दी करो, लेट हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। अब इन्हें अपने गांव जाना है क्योंकि जो दुल्हन जाएगी वो इनके गांव ही जाएगी, बहन को लेके जाएंगे लड़ी की बहू बना के। फेरे होने से पहले पूजा होती है, तो अभी वो हो रही है भाई। दर्शकगण बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं फेरे देखने के लिए। अभी फेरे स्टार्ट हो गए हैं और पहले 4 फेरों में दुल्हन आगे रहती है। ना दौड़ आराम से धीरे धीरे चलो, सीरिये ना यायक ना जी को, इतनी जल्दी काम हो रही है। झाड़ू सीरी ला दिया झाड़ू। तो अभी फेरे हो गए हैं और दूल्हा आगे आ गया है। पूरी होती नहीं होती है ना लाली? क्या बात है, होगी डिमांड इधर पूरी होगी? होगी पड़ेगा, यानी कोई 20 का रास्ता निकालना पड़ेगा। वैसे मात्र शक्ति से कोई जीत नहीं सकता है भाई साहब, लिफाफा तो दे दे और बाकी खाली भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे। ठीक सामने पे है दूल्हा, दूल्हा के पिताजी, दूल्हे के बड़े भाई और यहाँ हमारे गांव की 2-3 लड़कियाँ। भाई साहब इनसे तो आप जीत नहीं सकते, बार्गेनिंग करने में आप डन करना चाह रहे हैं। हम तो कुछ दे नहीं चाह रहे हैं यार, चलो थोड़ा सा और कर लो। चलो मैं एक फाइनल अमाउंट रखता हूँ, मैं लिफाफे के अंदर रख रहा हूँ।
आपने कहा था मैं लिफाफा दे रहा हूँ और आप दे रहा कितना कितना अभी पता नहीं है तो अभी फाइनली जीत इस बार मेरी हुई तो अभी हमें तगड़ा तड़ाई मिल गई है। तो इतना लड़ने इतना झगड़ने के बाद और इतना मुंह चलाने के बाद 5100 रुपए हमें तगड़ा तड़ाई मिली और अभी 6 फेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी दुल्हन की मांग भरी जाएगी और दुल्हन लगी हुई हंसने पे, उसको पता नहीं क्या ही मिल रहा खुश है तू और कल से ये जितना हंस रही है जैसे ही विदाई का टाइम आएगा वैसे ही ये सबको रुला के जाएगी। और अभी पंडित जी इनको बता रहे हैं 7 फेरों के 7 वचन और यहाँ पे 7 लाइन खींची गई है, जैसे जैसे वचन पूरे हो रहे हैं वैसे वैसे वो लाइन मिटा दी जा रही है। मेरे बड्डा लेके आ गए हैं शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए जो ना खाए वो भी पछताए तो इससे बढ़िया खा के पछताओ है, भर दिया गया है। तो अब संध्या अपने पति के बाएं ओर बैठेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड को वह मांगनी बोलते हैं, मतलब कि नरेश की संध्या बाएं अंग है वहां से आम ही बोला जा रहा है। विवाह संपन्न हुआ तो अभी इनको मिल रहा है दोनों साइड के पंडित जी का आशीर्वाद। शादी में मुझे मिले हैं मेरे की फैन और मेरी दीदी के दोस्त, तो ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो थैंक यू दीदी ब्लॉग देखने के लिए। और जो दीदी है वो मेरी दीदी की बेस्ट फ्रेंड रही है कॉलेज टाइम में, तो अभी यहाँ पे होगा गायदान, तो अब यहाँ पे होगा सासू जाने का तो तरे लगी है ये हमारी लल्ली दीदी है, पता नहीं क्या देख रही है। आप क्या करोगे पहले ओ दीदी आप क्या करोगे, क्या 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 देखना आपको? ये अच्छा आपको ये काम दे रखा है, यही से जूते की भरपाई कर रहे हो गलत आदमी में दे दिए जीजा जी, गलत आदमी में दे दिए यहाँ से मैं उधर जा रहा हूँ। बहन की शादी में इतना काम होता है कि मेरा भाई अभी ब्रश कर रहा है, इसको अभी फुर्सत मिल रही है ब्रश करने की। और यहाँ इसे फेस वॉश सीखे, फेस वॉश तो मैं लाया ही नहीं। तो अब यहाँ पे हो रहा है दान और अभी फटाफट दान हो रहा है क्योंकि रात काफी हो गई है और विदाई का टाइम भी होने वाला है। सुबह से दूल्हे राजा भूखे थे तो अभी इन्हें बेटी के ऊपर खाना खिलाया जा रहा है और सालियों ने पूरी व्यवस्था करी है। सुनो तो जीजा जी बुल्ली का जवाई यो बोल यहाँ का भी पैसे छेंदा और अभी बेटी का एक हिस्सा छुड़वा दिया गया है दूल्हे राजा के